सर ये रोहित शर्मा चीज क्या है? इसके सामने पेसर आ जाए, मतलब बुरी बात है ना। चीज क्या, हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम बड़े-बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं, सच में नहीं सर। उसको पेसर के सामने ला दो, उसको हाँ जी हम पेसर पे उसको उसके सामने स्पिनर आ जाए, वो ऐसे धोता है। कोई ऐसी कमजोरी मिल ही नहीं पा रही। खतरनाक सिचुएशन होगी न्यूजीलैंड के लिए। यही तो मैं चाहता था कि हिंदुस्तान टॉस जीते। और यार देखो, डिजर्व करते हैं, मैं कहता हूँ डिजर्व करते हैं। और इसकी इंटेंट बहुत अच्छी है रोहित शर्मा की यार, लड़का डिजर्व करता है और उसके लिए ये सारी ग्लोरियस मोमेंट होने चाहिए। और आधा मैच तो यहाँ पे नर्व वैकिंग हो गया है न्यूजीलैंड के लिए। अब थोड़ा सा फेंटा जो जिसे कहते हैं ना, वो रह गया है। और बेटा फड़ाक दिया है, विराट कोहली ने पकड़ के घंटा बजा दिया है। आ जाएगा। मगर आप जनरली देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस, फेवरेटिज्म देखा जाए इस मैच में, फेवरेट टीम कौन सी है? दैट 65% इंडिया गेटिंग इनटू दिस टुडे सेमीफाइनल इन माय ओपिनियन। ऑलराइट, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, वो उन्होंने लेंथ बिगाड़ दी थी शुरू में। वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ नहीं करनी, जहाँ से हमें तंग होता है कोई सा भी बैटर, उस लेंथ में हम नहीं गिरने देंगे। ये उनका वो था। सबको खौफ था, ट्रेंट बोल्ट का खौफ था, साउथी का खौफ था कि नए बॉल से विकेट निकाल लेंगे। लेकिन क्या किया उसने, पहले ओवर से हिटिंग करना शुरू किया और एंड तक हिटिंग करता है, रुकता ही नहीं है। वो जो क्रिकेट खेल रहा है उसका लेवल ही और है। इस जैसा कोई कैप्टन अभी तक इस टूर्नामेंट में है ना, आगे आएगा। और इंडियन बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है, वो राम से स्ट्राइक रोटेट बड़ा अच्छा करते हैं। जो भी इनका बैटर है, विराट कोहली टाइम लेके खड़े होते हैं, स्ट्राइक रोटेशन तो वो उनकी भी अच्छी है। इतने कॉन्फिडेंस से इतने अच्छी क्रिकेट खेली है इंडिया ने कि उनके सामने न्यूजीलैंड का बहुत ही कम चांस है। मेरे हिसाब से 70% इंडिया का चांस है, 30% न्यूजीलैंड का। वो भी कोई जबरदस्त कोई परफॉर्मेंस दे दी बैटर ने। जिस तरह की ऊपर से रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, इतना खतरनाक जो है वो लाठी चार्ज था रोहित शर्मा का, इतना जबरदस्त उसने जो पावर प्ले का इस्तेमाल किया। देन फिर आगे नीचे से जो बैटिंग किया विराट कोहली ने, श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग किया, और बेटा फड़ाक दिया है विराट कोहली ने, पकड़ के घंटा बजा दिया है। और पकड़ के घंटा बजा दिया है, घंटा। अब बताओ, आज विराट कोहली ने ये बता दिया है कि वो बड़े दिन के ऊपर बड़ी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है। बेटा रन देखो कोहली के, उखाड़ दिया उसने। जिस तरह की टीम इंडिया ने बैटिंग किया बेटा, ये पिच के ऊपर इतनी टर्निंग विकेट है ना आज वाली, अभी दूसरी इनिंग में आपको पता चलता है चेज कर ही नहीं पाएगा इतना टारगेट। बेटा जिस तरह के ऊपर से लाठी चार्ज था जो है वो रोहित शर्मा का, जिस तरह उसने पावर प्ले का ऊपर से इस्तेमाल किया, मतलब देख के मजा आया। जिस तरह के ऊपर से रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, इतना खतरनाक जो है वो लाठी चार्ज था रोहित शर्मा का, इतना जबरदस्त उसने जो पावर प्ले का इस्तेमाल किया। देन फिर आगे नीचे से जो बैटिंग किया विराट कोहली ने, श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग किया। इस टूर्नामेंट में किसी का बाप भी, किसी के अब्बू जान भी टीम इंडिया को आके हरा नहीं सकते। आ जाएगा। मगर आप जनरली देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस, फेवरेटिज्म देखा जाए इस मैच में, फेवरेट टीम कौन सी है? दैट 65% इंडिया गेटिंग इनटू दिस टुडे सेमीफाइनल इन माय ओपिनियन। ऑलराइट, जब वो 350 के पास रन चले जाते हैं तो वो कोई डजंट मैटर, वो एवरेज इतना ऊपर चले जाता है, विकेट सामने लूज कर दी होती है तो कोई समझ में नहीं आता। रोहित शर्मा और शुभमन गिल, वो उन्होंने लेंथ बिगाड़ दी थी शुरू में। वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ नहीं करनी, जहाँ से हमें तंग होता है कोई सा भी बैटर, उस लेंथ में हम नहीं गिरने देंगे। ये उनका वो था। माय थॉट्स, इंडिया टॉस हारता भी तो दे आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस गेम। वो इस वजह से कि उनको मिजरेबली फेल करना पड़ेगा, उनके बैटर्स को और उनके बॉलिंग अटैक को, तो आप उनको हिट पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़ा मैच करंट सिचुएशन में जाएगा, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो खेल रहे हो, इस वर्ल्ड कप में किसी भी चीज़ में खेल रहे हो, वो they have an edge because they're all the areas they are performing and consistently। और long run के लिए T20 फॉर्मेट नहीं है, 50 ओवर है, तो long run के लिए जो है उनके बैटर लंबे रन बनाते हैं। कोई विकेट्स ले रहा है तो वो लंबी लेता है, 4 लेता है, 5 लेता है। और फील्डर्स भी they're responding as well। इस वर्ल्ड कप की जब कहानी लिखी जाएगी तो एक बंदे का नाम लाजमी सबसे ऊपर लिखा जाएगा, उसका नाम है रोहित शर्मा। रोहित द फियरलेस क्रिकेटर। देखिए इंडिया की टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इस अच्छी परफॉर्मेंस का जो असल करंट जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को जाता है, इनके कैप्टन रोहित शर्मा को। आज सेमीफाइनल था, आज भी उसने फ्रंट से लीड किया। इतना फियरलेस क्रिकेटर, इतना खतरनाक किस्म का क्रिकेटर, इतना अटैकिंग क्रिकेटर जो अच्छे से अच्छे बॉलर को मधोल के रख दे, अपनी टीम के लिए सब कुछ ईजी कर दे, ये कैप्टन ही हो सकता है। एमएस धोनी के बाद जो इंडिया को अच्छा कैप्टन मिला है, उसमें रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। रोहित शर्मा जैसा कैप्टन मैंने अभी तक नहीं देखा, एमएस धोनी को देखा था। खेलता ही टीम के लिए है। इंडिया की सारी परफॉर्मेंस क्यों आ रही है? क्योंकि नीचे वालों पे रिलैक्सेशन आ जाती है। वो बंदा अपने कंधों के ऊपर सारा बोझ लेके खेल रहा है। आज उसने बल्लेबाजी खेली है। खौफ था ना, सबको खौफ था, ट्रेंट बोल्ट का खौफ था, साउथी का खौफ था कि नए बॉल से विकेट निकाल लेंगे। लेकिन क्या किया उसने, पहले ओवर से हिटिंग करना शुरू किया और एंड तक हिटिंग करता है, रुका नहीं, रुकता ही नहीं है वो जो क्रिकेट खेल रहा है उसका लेवल ही और है। इस जैसा कोई कैप्टन अभी तक इस टूर्नामेंट में है ना आगे आएगा। आप ये देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए खेले फिर भी उसके स्टैट्स अच्छे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है। सबसे ज्यादा उसने वर्ल्ड कप में छक्के मार दिए हैं, इस एडिशन के उसके सबसे ज्यादा छक्के हैं। रन के अंदर वो मेरा ख्याल है 550 क्रॉस कर चुका हुआ है। आप ये देखेंगे उसने कितने 50 अपने मिस किए, कितनी सेंचुरी उसने मिस की है, सिर्फ और सिर्फ टीम को तेज स्टार्ट देने में। आज जो इंडिया की अच्छी पोजीशन हुई है सेमीफाइनल के अंदर, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा को जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी नहीं मारी, कम रन किए। रोहित शर्मा ने जो आज 40+ रन किए, जितने तेजी से उसने रन किए, जितना उसने बैक फुट पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स को पहुंचाया, उसके अंदर हाथ सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का जाता है। तभी आज शुभमन गिल ने भी 50 कर दिया। और जैसे ही शर्मा आउट हुआ वैसे ही शुभमन गिल ने तेज खेलना शुरू कर दिया और फिर उसने मारा, रख के मारा। यही क्वालिटी होती है टीम की। रोहित शर्मा ने इस टीम को जिस तरीके से लेके चला, ये रोहित शर्मा ही लेके जा सकता था। फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है, तो रोहित शर्मा जो क्रिकेट खेल रहा है, हेड्स ऑफ टू रोहित शर्मा, सुपर किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, इसका मुकाबला नहीं है। और जो वो शॉट्स खेल रहा है, अनबिलीवेबल शॉट्स है, कहां से छक्के मार रहा है, इतनी पावर है इस इंसान के अंदर कि आप यकीन नहीं कर सकते। सुपर तरह से रोहित शर्मा खेलते हैं। इनकी इनिंग मुझे इसलिए अच्छी लगती है, ये एक साइड पे कर देते हैं मैच, ऊपर से आगे प्रेशर डालते हैं। और शुभमन गिल इसका भरपूर साथ दे रहे हैं। और इंडियन बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है, वो आराम से स्ट्राइक रोटेट बड़ा अच्छा करते हैं। जो भी इनका बैटर है, विराट कोहली टाइम लेके खड़े होते हैं, स्ट्राइक रोटेशन तो वो उनकी भी अच्छी है। काउंटर अटैक उनके ऊपर कर रहे हैं, निकल के मार रहे हैं। और मोस्टली आपको पता है कि रोहित शर्मा वेरी डेंजर बैटर है। ये मतलब अगर वर्ल्ड में अगर मैं बेस्ट ओपनिंग पेयर में बात करूँ तो ये उनमें इनका शुमार हो। ये आके गेम को तेज कर देते हैं। पावर प्ले का इस्तेमाल, बेसिकली उन्हें ये पता है कि पावर प्ले की बुनियाद किस वजह से है, तो उसका इस्तेमाल वो बेहतरीन करता है। रोहित शर्मा ऑन फायर, 4 छक्के कंप्लीट, बिल्कुल 4 छक्के उसने मार दिया जी। रिकॉर्ड क्रिस गेल का उन्होंने बराबर कर दिया है। और वो तो तोड़ देंगे ना, वो तो तोड़ देंगे। अभी इनका एक मैच और पड़ा है। सर, ये रोहित शर्मा चीज क्या है? इसके सामने पेसर आ जाए, मतलब बुरी बात है ना। चीज क्या? हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम बड़े-बड़े की बात करते हैं, सच में ना। सर, उसको पेसर के सामने ला दो, उसको हाँ जी हम पेसर उसको उसके सामने स्पिनर आ जाए, वो ऐसे धोता है। कोई ऐसी कमजोरी मिल ही नहीं पा रही, इतना वो है, कमजोरी नहीं है इसके पास, वही खा गया। अब जैसे ट्रेंट बोल्ट इसने निकल के छक्का मारा है, ट्रेंट बोल्ट ने अगला बॉल क्या किया, अगले ओवर में आगे बाउंसर मार दिया। अब कौन जीता? अब रोहित शर्मा जीता है। उसने उसको फोकस हटा के, भाई दूसरी तरफ आओ जहां मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, उसने कहा मैं कर लेता हूं, ट्राई की बेशक। ये इसको कहते हैं दिमाग के साथ। इट सीम्स वेरी अनलाइकली कि वो इस बार जिस तरह से हर एरिया में, हर शोबे में भरपूर तरीके से खेले हैं भारतीय, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रोक पाएगा सेमीफाइनल में। योर थॉट? तो सेमीफाइनल में ऐसे ही लग रहा है, होम ग्राउंड है बहुत से प्लेयर्स का। बुमराह का होम ग्राउंड है, रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है, श्रेयस अय्यर का होम ग्राउंड है, तो बहुत कॉन्फिडेंस है इंडिया की टीम के पास, मोमेंटम भी है। इतने कॉन्फिडेंस से इतने अच्छी क्रिकेट खेली है इंडिया ने कि उनके सामने न्यूजीलैंड का बहुत ही कम चांस है। मेरे हिसाब से 70% इंडिया का चांस है, 30% न्यूजीलैंड का। वो भी कोई जबरदस्त कोई परफॉर्मेंस दे दी बैटर ने, भी न्यूजीलैंड का चांस है, वरना भारत का फाइनल में पहुंचना यकीनी नजर आ रहा है। 100+ तो लगता ही लगता है इनके नीचे। और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग ही है, और जिस इंटेंट से वो खेल रहे हैं, पहले ओवर में 10 बॉल कर दिया। और ये उनको टाइमिंग चाहिए सेट होने का, नया बॉल है, अब जो भी ओपनर जाते हैं वो टाइम देते हैं, 1 ओवर देते हैं, 2 ओवर देते हैं। पर इंडिया की टीम के पास तो लगता है कि बाहर से सेट आते हैं, जैसे सहवाग खेलते थे, अब रोहित शर्मा भी और उसी इंटेंट से खेल रहे हैं। 10 पहले ओवर में सेमीफाइनल में कर देना, मैं कहता हूँ ये एक प्लस पॉइंट होता है। शुरू से ही आपने दूसरी टीम को बैकफुट पे कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और मजेदार की बात है कि पहला ओवर हो और इतनी बड़ी टांगे निकाल के बैट्समैन खेल रहे हैं नए बॉल के साथ, तो ये इसका मतलब है कि पिच में काफी चेंजिंग आएगी। लेकिन बात ही बल्लेबाज यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। रोहित शर्मा के एक बार बल्ला चलना शुरू हो जाए तो वो किसी को खाते में नहीं लाते हैं।